रोज मानस ने बताया उन पर कीजिए गौर। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए जो हमें क्वेरीज मिली है उन कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले कॉलर आशुतोष शुक्ला है हमारे साथ लखनऊ से। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास साउथ इंडिया बैंक के शेयर हैं 3,011.20 रुपए के भाव पे। तो मैम मैं लगभग वन ईयर के लगभग इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या लॉन्ग टर्म जी पूछ लेते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके भाव से तो ऊपर है ये स्टॉक, 11.20 रुपए की आपने खरीदारी बताई है, 13.40 रुपए पर यह स्टॉक बंद हुआ है, तो मुनाफा तो आपको हो रहा है स्टॉक में। बट मानस से पूछ लेते हैं होल्ड करें लंबी अवधि के लिए या फिर इस मुनाफे को लेकर निकल जाए। मानस क्या सजेशन रहेगा साउथ इंडियन बैंक में, 1340 पर बंद हुआ है, इनकी बैंक 1120 की है। देखिए ट्रेंड में तो डेफिनेटली रिवर्सल देखने को मिला है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट जो है वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। अगर आप देखिए तो एक रेजिस्टेंस था 11.80 रुपए के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है और अब केवल इंतजार है 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रेक करने का, जो कि 15 रुपए के आसपास है। मेरा समझना है कि 15 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक 19 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो साउथ इंडियन बैंक में बने रहना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस 12 रुपए के नीचे रखना है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है तो होल्ड कर लीजिए आप और बने रहिए, लेवल्स जो बताए हैं मानस ने उनके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए।